नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती रागाश्रय नाथब्राम चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज विशारद के लिए मैं बात करने वाली हूँ। कुछ भारी भरकम लग रहा है क्या? ज़रूर। ये विशारद सुनते ही ना थोड़ा कुछ ऐसा ध्यान में आता है कि कोई बड़े कलाकार होंगे, कोई मस्त गायक होंगे या कुछ पढ़े लिखे। आज मैं थोड़े शब्द में समझाना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे कलाकार और अच्छे कलाकार क्या होते हैं। देखिए, सब कलाकार पढ़े लिखे नहीं होते और सब पढ़े लिखे संगीतज्ञ कलाकार नहीं होते। ये कैसी बात है? जो कलाकार ऐसे होते हैं कि वो साधना से, सालों तक मेहनत से एक मुकाम पर पहुंचते हैं, और कुछ संगीतज्ञ ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई करने में विश्वास करते हैं, पढ़ाई ज़्यादा करते हैं और अपने परफॉर्मेंस के साथ साथ वो पढ़ाई को भी महत्व देते हैं। तो मैं इन लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ आज। जो लोग संगीत तो सीखना चाहते हैं, उसके साथ एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, तो संगीत विशारद, जिसे हम बी म्यूज कहते हैं, बीए इन म्यूज़िक कहते हैं, ग्रेजुएशन इन म्यूज़िक कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आज बात करने वाली हूँ। अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय से जिन लोग विशारद देते हैं, तो उनके लिए आज मैं कुछ बातें लेकर आई हूँ। वैसे विशारद के लिए मुझे बहुत सारे, ढेर सारे बात करनी है, लेकिन एक वीडियो में ये तो संभव नहीं है, इसलिए मैं इसका एक सीरीज़ बनाना चाहती हूँ। क्योंकि विशारद जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है, क्योंकि ये लास्ट एग्ज़ाम है। लास्ट मतलब ग्रेजुएशन। अभी ग्रेजुएशन को कोई अगर टारगेट करते हैं तो वो प्रारंभिक से लेके विशारद तक का जो जर्नी है, तो उस जर्नी का ये लास्ट है। तो उन लोग चाहते हैं कि विशारद को बहुत सीरियसली लिया जाए। और वैसे भी आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि विशारद के बाद, मतलब आप ग्रेजुएट हो गए म्यूज़िक में, उसके बाद आप किसी भी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो है ना बहुत महत्वपूर्ण बात। मैं ये जो विशारद के जो पार्ट्स है उनको किस तरीके से मैं सजा रही हूँ, आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो विशारद में जो राग है जिसका प्रैक्टिस आपको करना है, जो आपको सीखना है, वो स्पेसिफिक रागों के बारे में मैं बात करूँगी। तो विशारद के जो पार्ट्स के लिए मैं बात कर रही थी, उसमें थियरी आता है, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में भी दो पार्ट्स हैं, मैं जो जिसके लिए मैं आगे बात करने वाली हूँ। स्टेज परफॉर्मेंस कैसा होता है, फिर जो थियरी एग्ज़ाम है उनका पैटर्न क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, इतनी सारी बात आपसे मुझे करना है, आपको मुझे बताना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा और कितना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से हमें पूरा डाटा को, पूरे इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आप तक पहुँचाना पड़ता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट भी कर सकते हैं। विशारद में दो पार्ट्स होते हैं, विशारद प्रथम, विशारद पूर्ण। तो विशारद प्रथम और पूर्ण दोनों को मिलाकर ही रिजल्ट आउट होता है। अगर दोनों में से कोई एक में आप फेल हुए तो वो पास नहीं माना जाता है। दोनों एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से आपको पास होना ज़रूरी है। इसमें भी एक बात है कि अगर विशारद में आप प्रैक्टिकल में पास हुए, थियरी में फेल हुए, तो भी आप पास नहीं होने वाले हैं। उसी तरीके से सेकेंड पार्ट में भी यही बात है। संगीत विशारद में एक बहुत सुंदर चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है, वो है तानपुरा। आपको पता है कि ये तानपुरा बजाने के लिए अलग सा मार्क्स दिया हुआ है विशारद में। बजाना तो पड़ेगा ही, उसके साथ साथ तानपुरा को मिलाना भी पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तो मैं मध्यमा में हूँ, अभी तो मैं प्रवेशिका पूर्ण में हूँ, मैं आराम से जब मेरा तानपुरा बजाने की बारी आएगी, जब मुझे तानपुरा बजाने के लिए मार्क्स मिलने वाला है, तब मैं तानपुरा प्रैक्टिस करूँगी बजाने का या मिलाने का, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको तानपुरा बजाना है तो उसका अभ्यास आपको मध्यमा से या उसके पहले से आपको शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि
तानपुरा बजाना तो आसान है पर तानपुरा मिलाना काफ़ी कठिन है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग तानपुरा के बातों से थोड़ा घबरा जाते हैं, तानपुरा बहुत कॉस्टली होगा, फिर रखेंगे कहाँ, उसका मेंटेनेंस कैसा होगा, फिर उसको अगर हमें मिलाना नहीं आए तो फिर उसका वेस्टेज ऑफ मनी होगा, इस तरीके से ख्याल आता है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आपको शौक है, अगर आपको म्यूज़िक को परस्यू करना है तो ज़रूर आपको तानपुरा खरीद लेना चाहिए, क्योंकि तानपुरा बजा के गाने में एक जो फील आता है, जो सेटिस्फेक्शन आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा बजा के गाने में बिल्कुल भी नहीं है। जो आगे संगीत सिखाना चाहते हैं, संगीत के साथ साथ वो अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर तानपुरा खरीद लेना चाहिए। उसके बाद आता है कि इसमें कौन कौन सा राग है। अगर आप प्रवेशिका पूर्ण से सब एग्ज़ाम देते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये कोर्स में दो तरह का गायन आता है, एक आता है विलंबित ख्याल, एक आता है छोटा ख्याल। तो विशारद प्रथम में 6 बड़ा ख्याल है और 7 छोटा ख्याल है, मतलब हुआ टोटल 13, मतलब 13 जो राग है ये आपको तैयार करना है। और जो बड़ा ख्याल है उसके साथ साथ आपको छोटा ख्याल करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बड़ा ख्याल आप जब गाएंगे उसमें आपको उसके साथ साथ छोटा ख्याल और उसका थोड़ा थोड़ा तान आपको गाना आना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया कि विशारद के जो एग्ज़ाम है, थियरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, थियरी के दो पार्ट्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए मैं अलग वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। और विशारद प्रैक्टिकल में भी दो पार्ट्स होते हैं। अभी तक आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, पहली बार ये आपके साथ हो रहा है कि एक बार एग्जामिनर के सामने आपको बैठ के एग्ज़ाम देना है और दूसरी बार आपको परफॉर्मेंस करना है, मतलब ऑडियंस के सामने आपको गाना है। तो मैं जो परफॉर्मिंग है उसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं इन रागों के बारे में बात करती हूँ। देखिए, बड़ा ख्याल में है विलंबित गौर सारंग, विलंबित शंकरा, विलंबित जय जवंती, विलंबित पुरिया धनेश्री, विलंबित हमीर और विलंबित कामोद। जैसा कि पहले ही बताया है कि ये जो राग है 6 राग का छोटा ख्याल भी आपको तैयार करना है, जो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं मध्यमा प्रथम और मध्यमा पूर्ण में। छोटा ख्याल है मियां मल्हार, मुल्तानी, मारू बिहाग, पूरिया, शुद्ध कल्याण, दरबारी का नाड़ा, बहार। कभी कभी ये होता है कि जब मध्यमा प्रथम और पूर्ण स्टूडेंट्स सीखते हैं और उनका एग्ज़ाम्स देते हैं तो एक आध राग वो छोड़ देते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ या नौकरी के साथ या कोई और काम के साथ वो अगर एग्ज़ाम देते हैं तो टाइम उनको कम मिलता है, फिर उनको लगता है कि पास तो हम हो ही जाएंगे तो इतने सारे राग करने की क्या ज़रूरत है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जब आप एक राग सीखते हैं, जैसा कि आपने मध्यमा पूर्ण में एक कामोद सीखा, छोटा कामोद सीखा है, उसी का बड़ा ख्याल आपको विशारद में करना है। अब विशारद में आके अचानक आप कामोद शुरू करेंगे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप शायद जानते हैं कि बड़ा ख्याल करने के पहले अगर आप छोटा ख्याल करते हैं तो राग के बारे में नॉलेज आपको ज़्यादा आता है और आप उसको बहुत जल्दी सीख पाते हैं, क्योंकि विलंबित वैसे ही थोड़ा कठिन है। और अगर शुरू में ही राग को आपने ना जाना, ना पहचाना, एकदम विलंबित में अगर आप कूद पड़ेंगे तो राग के बारे में अच्छे से समझना बहुत मुश्किल होगा। इससे अच्छा कि आप उसका छोटा ख्याल गा लीजिए, तराना गा लीजिए, ठुमरी गा लीजिए, उसके बाद अगर आप बड़ा ख्याल गाएंगे तो आपको समझना और गाना बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए कोई भी ईयर का कोई भी राग आपको स्किप नहीं करना है। सबसे अच्छा ये है कि आप सभी रागों को आप रेस्पेक्ट कीजिए और सभी रागों के बारे में आप जानिए। तो ये जो छोटा ख्याल है इसमें आपको आलापतान की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जो छोटा ख्याल है आगे जाके इन्हीं का बड़ा ख्याल फिर विशारद पूर्ण में आने वाला है। इन छोटा ख्याल में से ही आपको करना है ध्रुपद, धमार, तराना, चतरंग, ठुमरी। ठुमरी के लिए पीलू और भैरवी में आप कर सकते हैं, लेकिन जो ध्रुपद धमार है उसका प्रैक्टिस आपको इन रागों में से करना है। अब ध्रुपद धमार अभी तक आप गा ही चुके होंगे, लेकिन अभी तक आपने किया है एक गुण और दुगुण, पर विशारद में एक गुण, दुगुण, तिगुण, चौगुण, आठ गुण। देखिए,
जब आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने बैठते हैं, तो एक शीट होता है एग्जामिनर के सामने। हम भी एग्ज़ाम लेने जाते हैं तो हमारे पास एक शीट होता है, तो उस शीट में सभी मार्क्स दिया रहता है। अगर आप आठ गुण गाएंगे, अगर आप चार गुण गाएंगे, चौगुण गाएंगे, तो उस चौगुण के लिए 3 मार्क्स, आठ गुण के लिए 5 मार्क्स, इस तरीके से पूरा मार्क्स डिवाइड किया हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर आपने कुछ स्किप किया तो आपका मार्क्स भी स्किप हो जाएगा। तो ये बेटर है कि आप सारे जो लयकारी है उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं बात करती हूँ स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में। आपको पता ही है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि ऑलरेडी कहीं और स्टेज परफॉर्मेंस कर चुके होंगे, कभी ना कभी तो आपने किए होंगे, स्कूल में, कॉलेज में, अपने फैमिली फंक्शंस में, अपने सोशल गैदरिंग में, अपने सोसाइटी के प्रोग्राम्स में। लेकिन ये जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है ये एकदम अनोखा होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन अभी इतना कहना चाहती हूँ कि स्टेज परफॉर्मेंस में आपको एक राग गाना पड़ता है जिसको 15 से 20 मिनट तक आपको गाना है। आप समझ रहे होंगे एक राग को 15 से 20 मिनट तक गाने के लिए आपको कितनी रियाज की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ आपको तबला आर्टिस्ट के साथ बैठना होता है, और ये 15 से 20 मिनट तक जो राग आप गाएंगे इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना हो सकता है, अगर आपके पास रेडी है तराना गा सकते हैं, और 7 से 10 मिनट के अंदर आपको एक ठुमरी, कजरी, चैती, भजन गा सकते हैं। भजन बहुत ही कॉमन है, इससे अच्छा है कि अगर आप ठुमरी तैयार कर सके तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ठुमरी एक बहुत सुंदर गायकी है जो आपको सीखना भी है, तो इस बहाने एक ठुमरी आपको तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरा कोर्स को बहुत अच्छे से सीख के ही आपको विशारद एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहिए। तब पहुंचते पहुंचते मैं एक बात कहना चाहती हूं, जो मैंने शुरू में बोला था कि विशारद में राग है 13, उसके बाद ध्रुपद, धमा, त्रिवर्चर, चतरंग, तराना, ये अलग है, मतलब और भी आप 4-5 आइटम पकड़ लीजिए तो 13 और 5-6, मतलब 20 लगभग। अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही साल में आपको विशारद देना है मध्यमा के बाद, तो महीना आपका पास कितना है, 12 आइटम आपको तैयार करना है, कितना, लगभग 20, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं मानती हूँ। मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि आप मध्यमा देने के बाद आप टाइम लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक नहीं लेना है, आपको सीखते जाना है, लेकिन आप एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का एक गैप लीजिए और बहुत अच्छे से विशारद एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि विशारद एग्ज़ाम के बाद आपके मन में भी ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं गा सकता हूँ या गा सकती हूँ, और लोगों का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है। आप जब विशारद देते हैं लोग मानते हैं कि इनको कुछ ना कुछ क्लासिकल सिंगिंग आता ही होगा, इसीलिए आप इतना हड़बड़ी मचा के बहुत जल्दी जल्दी कोर्स को ख़त्म करके एग्ज़ाम में अपीयर मत होइए। अच्छे से, आराम से, टाइम लेकर आप एग्ज़ाम दीजिए, देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और आप बहुत गर्व के साथ बोल सकते हैं कि मैं संगीत विशारद हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।